Number 3. Name of the chapter is Give and Take. Give means Dena and Take Lena. तो इसमें क्या है, I am किट्टू. किट्टू है, this is my home. उसका ये घर है, उसने क्या करना है, इस होम को पेंट करना है. ठीक है, 100 रूम्स है, तो हमने क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताने हैं जिससे वो अपने रूम को क्या करे, पेंट करे. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने स्टार्ट किया फ्रॉम रूम नंबर 2. कैसे है ये, पहले ग्रिड बनी हुई है. ग्रिड मीन्स इसमें कितने हमारे पास 100 बॉक्सेस हैं, तो 100 रूम्स हैं, उसने इनको पेंट करना है. और पेंट करने के लिए उसको जंप्स लगाने पड़ेंगे, किस रूम से स्टार्ट करें, कहां से कहां तक जाए. तो हमें डिफरेंट मेथड्स बताने हैं, तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट एडिशन के मेथड्स ही देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम रूम नंबर 2. पहले उसने रूम नंबर 2 से 12 तक जाना है. तो 2 से 12 जाने के लिए फर्स्ट मेथड तो ये है, 2 से 12 तक जाएंगे तो 1 स्टेप आए. कितना स्टेप आया, 1 स्टेप. क्लियर. और एक और मेथड क्या है, अब उसने दोबारा जाना है 2 से 12 तक ही. सेकंड मेथड वो क्या ऑप्ट कर सकता है, 2 से 12, पहले 2 से कहां तक जाएगा, 10 तक. ठीक है, कभी इसमें जब हमने मैथ्स में कैलकुलेशन इजी करनी होती है तो हमेशा हम राउंड नंबर तक पहुंच जाते हैं. 2 से 10 तक जाएगा, उसके बाद फिर 10 से 12 तक, ये भी जंप ले सकता है. ठीक है, इस तरह ये स्टेप्स कर सकता है, पहले 2 से 12 तक जा सकता है, या फिर पहले 2 से 10 तक जाएगा, फिर हाउ मेनी स्टेप्स, 1, 2, तो ऐसे स्टेप्स भी ले सकता है. क्लियर. और भी अब नेक्स्ट है हमारे पास, और भी ऑप्शंस हैं कि उसने कैसे कैसे वो जंप लेगा. नेक्स्ट है 14 प्लस 10. तो कभी भी कुछ इजी प्लस करना होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, राउंड नंबर पे. 14 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 24. कितने जंप हुए, 14 to 24, कितने हो गए हमारे पास, 24. सेम ऐसी ही ग्रिड थी ना उसमें, जैसे कि ग्रिड मींस नंबर्स ऐसे ही लिखे हुए थे. अब हमने क्या किया, 14 से 24, ये सारे सेम नंबर्स आ गए. क्लियर. नेक्स्ट है, हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41, जंप फ्रॉम 22 to 42. अब उसने जाना है 22 से लेके कहां तक, 22 to 42. 22 कहां पे है हमारे पास, ये रहा 22 to 42. पहले कहां जाएगा, 22 से 32, 32 से फिर 42. यहां पे भी इसने है, पर अब क्या है, 22 टू जाना है, 41 तक भी जाएगा. अगर नेक्स्ट 41 तक जाने के लिए क्या करेगा, पहले 22 to 32, 32 से 42, अब जाना था 41, मतलब एक स्टेप बैक चला जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3. ये जो सिंपल ही है, ये सभी सम्स आपको जो स्टेप्स लिखे हुए हैं आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करने हैं, नॉट इन योर नोटबुक. ठीक है, एक आगे नेक्स्ट है, ट्राई दिस दीज ऑन किट्टूज होम. तो ये भी आपको किट्टू के होम पे ट्राई करनी है कि कैसे कैसे हम मेथड्स यूज करेंगे कि वो उसके उस रूम तक पहुंच जाएंगे. फर्स्ट ए पार्ट में है 10 less than 34. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग लेस देन. लेस मीन्स माइनस करना है, कम करना है उसको. 34 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस. इसमें मैं आपको इन जो वर्ड्स यूज किए हुए ना, लेस देन, मोर देन, जो वोकैबुलरी, जो उनके मीनिंग्स बताऊंगी. बाकी दोबारा मैं इनको बताऊंगी हाउ टू डू इन योर नोटबुक कि कौन सा मेथड ऑप्ट करना है. ये तो सिंपल ही है, 53 minus 20 आप इजिली कर सकते हो. नेक्स्ट वन 11 more than 31. अब आप वैसे तो आपको कर सकते हो 11 प्लस भी कर सकते हो, 11 प्लस 31, 11 माइनस भी कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग किसका पता होना चाहिए, मोर. मोर मीन्स प्लस, मीन्स ज्यादा. तो 31 plus 11. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट. मैंने दो वर्ड्स आपको बताए, पहले लेस मीन्स कम करना, मोर मीन्स ज्यादा. लेस में माइनस किया और मोर में प्लस कर दिया. नेक्स्ट है डी पार्ट, 11 less than 66. अब लेस मीन्स माइनस करना है. अब क्या करेंगे, 11 में से 66 माइनस करेंगे, नो. 11 तो स्मॉलर है, 66 बिगर है. तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर क्या कर देते हैं, माइनस. ठीक है. नेक्स्ट इज ई पार्ट,
62 प्लस 13, ये तो बहुत इजी है, इसको आप सिंपल प्लस कर सकते हो. नेक्स्ट है एफ 23 लेस देन 89. अब अगेन क्या वर्ड आ गया, लेस, तो क्या करेंगे, बिगर कौन सा है, 89 या 23, 89 बिगर है, तो 89 में से 23 को क्या कर देंगे, माइनस. नेक्स्ट वन जी, 10 एंड 40 मोर, मोर का मतलब क्या हुआ, प्लस, 10 और 40 को क्या कर देंगे, प्लस. क्लियर, ऐसे आपको मेन आप सब कर सकते हो, प्लस भी माइनस भी, बट आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स क्लियर करने हैं. नेक्स्ट एच पार्ट, 9 एडेड 228 गिव्स, एडेड मीन्स प्लस करना, एड करना प्लस करना, 28 में हम 9 को क्या कर देंगे, एड. आई पार्ट, द सम ऑफ 9 एंड 44 इज, यहां पे आपको किसका मीनिंग समझना है, सम करना, सम करना भी एड करना, तो यहां पे 9 प्लस 44, क्लियर. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग 98 बाय 34, अब ये एक और न्यू वर्ड आ गया, रिड्यूस करना, कम करना, लेस कर देना उसको, ठीक है, पर क्या करेंगे, लेस बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर, 98 माइनस 34, यहां पे सम का मतलब हो गया प्लस करना, रिड्यूस मींस कम करना. 4 एंड 37 मोर इज, यहां पे वर्ड क्या मतलब हुआ, मोर का क्या बताया था, प्लस करना, 37 प्लस 4, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 41. एक और न्यू वर्ड आ गया, टेक 35 अवे फ्रॉम 83, अब क्या वर्ड आ गया, टेक अवे, टेक अवे मीन्स ले लेना, अब लेना मीन्स माइनस कर देना, अब बिगर नंबर कौन सा है, 83, 83 में से 35 को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है. तो सेम ये वाले जो सम्स है आपको नोटबुक में भी करने हैं और बुक में भी, इसके जो आंसर्स हैं आप एज इट इज बुक में फिल कर देना, बाकी जो नोटबुक में प्रॉपर मेथड के साथ हम करेंगे कॉलम वाइज लिख के, ठीक है.